फ्रेंड्स, मेरा नाम है विभा। दरोगा जी .com पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मोटो जी 4 प्लस स्मार्टफोन का ओवरऑल रिव्यू करेंगे। ये स्मार्टफोन काफ़ी पहले यानी कि मई 2016 में लॉन्च हो चुका था। परफॉर्मेंस के मामले में ये एक बेहतर डिवाइस है। स्मार्टफोन की प्राइस 13,500 रुपये की है। प्लस 3 स्टोरेज वेरिएंट्स में अवेलेबल है, बट हम इस वीडियो में 3GB रैम वेरिएंट्स का रिव्यू करेंगे और इस 3GB रैम वेरिएंट की प्राइस मार्केट में 13,500 रुपए की है। और इस मोटो जी 4 प्लस की अनबॉक्सिंग के साथ इसमें आपको एक चार्जर, USB डेटा केबल, यूज़र मैनुअल और हेडफोन मिल जाता है। ये एक बेसिक टाइप का हेडफोन है, स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, ओके है। अब इसके लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन के मामले में मोटोरोला का मोटो जी 4 प्लस फुल प्लास्टिक बिल्ड फ़ोन है। इसके फ्रेम में प्लास्टिक है लेकिन आपको एडजेस पे मेटल फिनिश मिल जाती है। लुक्स में ये फ़ोन मेटल और ग्लास से बने फ़ोन की तरह दिखने में प्रीमियम लुकिंग तो फील नहीं होता है, बट ओवरऑल बहुत ही सॉलिड फील होता है। अब इसके बैक कवर की बात करें तो इसके बैक कवर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है जो इसे एक बढ़िया ग्रिप देता है। और इसके बैक पैनल को इजीली रिमूव भी किया जा सकता है, जहाँ पे आपको सिम कार्ड स्लॉट और SD कार्ड के लिए प्लेस दिया गया है। और इसमें 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल फिक्स बैटरी है। और ये बैटरी एवरेज यूजर्स लाइक थोड़ा बहुत जो ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो या करते हैं उनके लिए एक दिन का सपोर्ट तो देती है, बट जो हैवी यूजर्स हैं लाइक जो ज़्यादा गेम खेलना, ज़्यादा पिक्चर लेना पसंद करते हैं तो ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। पर मोटो जी 4 प्लस फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है तो आप कम समय में अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स राइट साइड पे दिए हैं। टॉप और बॉटम पे हेडफोन जैक और माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। देन इस डिवाइस का डायमेंशंस, इसकी हाइट 153 mm विथ 76.6 mm और 7.9 mm की थिकनेस है और इसका टोटल वेट 155 ग्राम का है। मोटो जी 4 प्लस में 5.5 इंच की IPS LCD फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले 401 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी देती है। देन इस डिवाइस का लार्जर डिस्प्ले और हायर रेजोल्यूशन टेक्स्ट रीडिंग, गेम प्लेइंग और वीडियो देखने में एक अच्छा और मज़ेदार एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और प्रोटेक्शन के लिए इसके डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोटो जी 4 प्लस 1.5 GHz पर चलने वाले ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें एड्रेनो 405 GPU भी दिया है। स्टोरेज के लिए इसमें 2GB, 3GB और 4GB रैम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम इस वीडियो में 3GB रैम वाले स्मार्टफोन का रिव्यू कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये एक गुड स्मार्टफोन है। सब कुछ बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, मल्टीटास्किंग भी स्मूथ है और गेमिंग में ये फ़ोन ज़्यादा हीट इशू भी नहीं क्रिएट करता है। मोटो जी 4 प्लस 16GB, 32GB और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसे 128GB तक एक्सपांड किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर के मामले में मोटो जी 4 प्लस एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमैलो पर चलता है। मोटो जी 4 प्लस के डिस्प्ले के ऊपर सिंगल फ्रंट फेसिंग स्पीकर है। इसमें स्टीरियो साउंड्स नहीं मिलते हैं लेकिन इसका सिंगल स्पीकर भी एक डिसेंट साउंड प्रोवाइड करता है। और डिस्प्ले के नीचे स्क्वायर शेप में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही ये फास्ट और एक्यूरेट परफॉर्म करता है, लेकिन दिखने में ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है। अब इस स्मार्टफोन के कैमरा सेशंस की बात की जाए तो मोटो जी 4 प्लस 16MP f2.0 एपेचर रियर कैमरे के साथ आता है। इसमें फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और लेज़र फोकस जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा ये मैनुअल मोड, पैनोरमा, HDR और स्लो मोशन वीडियो को सपोर्ट करता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी और कलर्स एक हाई एंड स्मार्टफोन की तरह परफॉर्म करते हैं जो बहुत ही नेचुरल कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लो लाइट में स्मार्टफोन से ली गई इमेजेस में नॉइज़ देखने को मिलता है। और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा 5MP का है जो एक वाइड एंगल लेंस के साथ आता है और बेटर सेल्फीज़ को क्लिक करता है। मोटो जी 4 प्लस डुअल माइक्रो सिम एक्सेप्ट करता है और कनेक्टिविटी ऑप्शन में ये डिवाइस वाईफाई, GPS, USB OTG, 3G, 4G और VoLTE वोल्ट्स नेटवर्क को सपोर्ट करता है
और इस स्मार्टफोन में प्रॉक्सिमेट्री, एक्सीलरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और गायरोस्कोप जैसे सेंसर का सपोर्ट है। तो ये था मोटो जी 4 प्लस स्मार्टफोन का ओवरऑल रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।